टाइम हो रहा है 2:40 और बारबेक्यू का सीन अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, तो चलें मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर और आगे की सिचुएशन वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। अंदर की साइड पे अभी मैं जा रहा हूँ, बाकी अंदर क्या हो रहा है वो अंदर जाके, अगर क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, मसला सारा वोल्टेज का है और अचानक ये जो है वोल्टेज का भी एक नया इशू बीच में आ चुका है। लेकिन मेरे दोस्त जो है वो यार ऐसे नहीं बैठते, कुछ ना कुछ उनको, क्योंकि इनमें से हैं तो सारे बिजनेसमैन हैं लेकिन काम सारे जानते हैं। तो अब ये जो है ये देखें, ये चेक करें, पूरा सेट इन्होंने कर दिया है कि भाई अब बस सीखों पे गोश्त चढ़ाना है और हमने आगे का सीन शुरू करना है। मेन जो मसला होता है वो यही होता है कि यार कोयले जलाने, आग जलानी है, वो मेन चीज़ होती है वो, कि ये जो काम हो गया आगे का काम है बिल्कुल सिंपल बहुत आसान, लेकिन करना मैंने थोड़ी है, ये रहना आए खुद। अब ये सारे नीचे मुंह करके, क्योंकि कैमरे के सामने यार कोई बहुत मुश्किल हो जाता है, करेगा कौन ये वाला मेरा भाई, ये दोस्त सबसे अच्छा है, ये देखें स्टार्ट कर दिया है, मैं बस कैमरा वहाँ से यहाँ पे लेके आया हूँ, उन्होंने मतलब फुल एंड चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। और इन ये लोग समझ रहे हैं कि भाई पूरी वीडियो में हमें ही लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई, मैं भी आ गया यार। ये लाइट का बहुत इशू हो रहा है यहाँ पर, कि वोल्टेज नहीं है यार, लाइट बंद हो रही है बार बार। आ गई भाई आ गई यार, लाइट अब सही है, अब नहीं जाएगी, मुझे पता है नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाने वाली लाइट, अंधेरा तो हो रहा है थोड़ा यार, वो कर लेते हैं, ऑडियो में मसला आ जाता है यार। ये देखो अभी देखो, ये मैं ज़रूर बता रहा हूँ, ये लगेगी तो देखना ऑडियो आगे पीछे हो जाएगी, पूरी ऑडियो ही आउट हो जाएगी, लेकिन चले कोई मसला नहीं है यार, आप सुन रहे हैं, बस आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। ये मैं कहाँ है, ये आ गया, मतलब ऑन सीन चल रहा है, बिल्कुल एंड चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई अब ले आओ पराठे वगैरह लेके आओ और खाना शुरू करो। हाँ देख रहा हूँ मैं, वही देख रहा हूँ, वही चेक कर रहा हूँ भाई, नहीं। उसके बाद वो सब हुआ जिसका हमने सोचा भी नहीं था। मैं हाथ ठंडे हो रहे हैं इसके भाई, तो भाई ये भी ये हो जा, अबे हुए नहीं पागल हो गए, यानी तुम खड़े हो जाओ, लेट हो नहीं, ये आगे था, ये इसी वजह से बोल रहा, लेट हो नहीं, खड़े हो जाओ, उसके बाद मैं चिल्ला रहा हूं, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। यहां पर मुझे वीडियो भी रोकनी पड़ी और बहुत ही अजीब सा एक सीन हो चुका था, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था और अचानक से सामने एक चीज दिखी कि एक यंग सा लड़का रात के 4:30 हम जिस साइड पर बैठे हुए थे उसके बिल्कुल सामने की साइड पर, पीछे सब जंगल है और कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और ना किसी का ज़्यादा आना जाना होता है, तो उस जगह पर एक यंग सा लड़का वाइट सूट पहना हुआ वो एक सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, सामने एक सीढ़ियाँ थी वहाँ चढ़ा और दोबारा आकर वहाँ पर रुक गया, उसने हाथ हिलाया एक प्रॉपर, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कोई हमें बुला रहा है। तो जब हमने दोबारा देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो दो लोगों ने ये फैसला किया कि यार हम जाके देखते हैं, आप लोगों का वहम है, हम जाएंगे वहाँ तक, सब ने मना किया कि नहीं जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जाते हैं, उसके बाद वो खुद चले गए और हम दोबारा जिस तरह थे दोबारा से अपने कामों पे लग गए। अचानक से मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इस वक्त भी मतलब मेरी फीलिंग्स वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, एक अजीब सी उनकी ख़तरनाक सी एक चीखने की आवाज़ आई, जब वो वापस हम उनकी तरफ भागे, अपना सारा काम छोड़ के हम सब उसकी तरफ भागे कि यार अचानक ऐसा क्या हो गया, हम डर गए थे कि यार इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है और अचानक से ऐसा कुछ हुआ, और वो सब था तो हम वैसे ही पहले थोड़ा सा थे, लेकिन उनकी इतने कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ नहीं हम जाके देखेंगे। जब वो वहाँ पर गए तो जब हम उनके पास गए वो वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं बस यहाँ से निकलो, तो जब वहाँ पर आके वो बैठे उन्होंने हमें बताया कि यार मतलब उस साइड पर जब हम गए तो हम बातें करते करते जा रहे थे कुछ भी नहीं है, तो उनके लेफ्ट साइड पर अचानक से उन्होंने देखा कि कचरे के अंदर कुछ चल रहा है, और वो जैसे ही उन्होंने वहाँ देखा तो वो बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो अचानक से सामने आए और वो कचरे के अंदर खेल रहे हैं, तो उन्होंने एक ज़ोरदार सी चीख लगाई है, उनकी चीख के साथ दो लोगों ने और चिल्लाए और बहुत ज़ोर से चिल्लाए, तो वो वहाँ से भागे।
उसके बाद हिम्मत नहीं हुई हमारी आगे वीडियो शूट करने की और किसी भी तरह की, तो वहीं पर ही हमने वीडियो अख्ताम कर दी। लेकिन वो जब वापस आए तो उसके बाद उन्होंने मतलब उनकी हम कुछ उनसे पूछ नहीं पा रहे थे, लेकिन जितना था हमने उसको रिकॉर्ड किया और यहीं पे हमने फिर वीडियो ख़त्म कर दी। अच्छा ये ले कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की तुझे बचा हुआ नस, क्या हुआ? ये ले कोल्ड ड्रिंक की, अरे हाथ ठंडे हो रहे हैं इसके भाई। ओ भाई ये भी ये हो जा, अबे हुए नहीं पागल हो गए यानी, तुम खड़े हो जाओ लेट हो गए, ये आगे था इसी वजह से बोलना लेट हो नहीं खड़े हो, उसके बाद मैं चिल्लाया हूं रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मैंने बोला वो पकड़ लिया किसी ने, पागल तो नहीं है वो, पानी दो उसको, उसके हाथ ठंडे हो गए, ये भी कुछ नहीं होता, चल ये ले ये पी, इसकी उंगलियां देख हाथ पांव की कितनी ठंडी हो रही हैं, मैं बोल रहा हूं हाथ में ठंडियां हो रही हैं, ये ले ये पी, अबे पी, मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा यूं हाथ हिला है पूरा, देखा तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ये जब चिल्लाया और जब नजर गई है ना, छोड़ तो था क्या हुए, अपनी देखो भाई अपनी देखो, छोड़ दो हमें, वो हमसे डर के हमें डराएंगे नहीं, हमसे भागेंगे कौन सा भी तकनीक होगा हम डरेंगे नहीं, उधर कुछ भी अपना है ना, मैंने समझा ठीक है, इतना जोर से नहीं चिल्लाता ये ऑब्वियसली।